वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है R15 और स्प्लेंडर प्लस दोनों के ऊपर होने वाला है। तो आज इसमें हम देखेंगे किसमें कितना पावर है, दोनों को रस्सी से बांध के खींचेंगे, कौन किसको खींच पाती है देखते हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलते हैं, आपको दोनों गाड़ियों के बारे में बताते हैं। ये तो R15 V3 2018 मॉडल है और ये स्प्लेंडर प्लस, ये भी 2018 मॉडल है। तो आज दोनों में देखते हैं कितनी ताकत है इसमें। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहना, तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने पट्टा ले लिया है, तो अभी हम इससे दोनों गाड़ियों को बांधेंगे, फिर उसके बाद में इसको खींचेंगे। तो चलते हैं वीडियो में, तो इसको बांधते हैं। ये इसमें काफ़ी मजबूत है, ये तो नहीं टूटेगी, और इसमें बांधनी पड़ेगी इसमें। तो इसको इसमें बांधेंगे, ये पैर रखने का है, ये टूटेगा नहीं, काफ़ी मजबूत है ये। तो रस्सियाँ बन चुकी है दोनों में, तो अभी हम दोनों गाड़ियों को तो स्टार्ट करते हैं अपनी दोनों गाड़ियों को। तो ये अभी दो बंदे चलाएंगे, तो चलो वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मजा आएगा काफी। तो अभी शुरू कर रहे हैं, देखो वाला है पास में आता थोड़ा सा, नहीं नहीं बस कर, तो काफी मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा। एक मिनट। तो दोस्तों, अभी हम इसमें एक लकीर खींचेंगे सीधी बिल्कुल, तो इसमें इसको बांधेंगे, तो देखते हैं कौन किधर की साइड खींच पाती है। देखो अभी लकीर खींचते हैं, तो इसमें इसको बांध देते हैं बीचों बीच, फिर देखते हैं। वीडियो को फुल देखना, तो वीडियो में चलते हैं। तो देख सकते हो आप, स्प्लेंडर ने R15 को एच दिया, देखो थोड़ा सा ज्यादा इधर इसकी साइड चले गया अपना जो मेन पॉइंट है वो, और इसका टायर बिल्कुल इसमें गड़ चुका, देखो मतलब यार कितनी मस्त है, देखो कितना गड़ चुका है, पूरी रिम में गड़ चुके है, देखो पूरा टायर गड़ गया इसमें। ये तो स्लिप मार रही थी, ये देखो इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इसमें, देखो ये टायर बिल्कुल भी नहीं गड़ा इसमें। तो अभी फिर से ड्राइवरों को चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं फिर उसके बाद, तो ड्राइवर चेंज करते हैं। तो दोस्तों, अब हमने ड्राइवर भी चेंज कर लिया, तो अब देखते हैं, चलो 1 2 3। तो अब की बात ड्राइवर चेंज करते हैं, देखो R15 है जो इसने पूरी इसको खींच लिया है, देखो स्प्लेंडर वहां थी पहले, तो अब इसको यहाँ लेके आ चुके हैं, तो मतलब भाई ड्राइवर का फर्क था इसमें। तो एक बार अब मैं ट्राई करूंगा खुद, तो उसके बाद देखते हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो अभी हम लगाते हैं फिर से मेन पॉइंट पे बाइक को, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी बात आएंगे R15, तो चलते हैं अभी देखना वीडियो फुल।
देख सकते हो एक बार हमको स्प्लेंडर खींच के ले गई थी, तो बाद में हमने उसको वापस खींच लिया क्योंकि हमारी गाड़ी का टायर स्लिप मार रहा था बहुत ज्यादा। लास्ट में जाके हमारी R15 V3 जीती है। देखो स्प्लेंडर, पहले स्प्लेंडर उसको खींच ले गई थी वहां पे, फिर उसके बाद R15 ने फाइनली इसको आगे खींच लिया बिल्कुल, तो इसमें जीत R15 V3 की हुई। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। तो कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है, तो मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।